रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुब आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी चिल चिल सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। कुकिंग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, हमने बनाया नेचर सीरियल, बहुत टेस्टी सा बना है और बहुत मज़ेदार है समर के लिए। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई ये चलते हैं फिर किचन क्लोजअप में। रेसिपी को देखिए, इंजॉय करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी किस्म का नेचर सीरियल बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश फ्रेश किस्म के फ्रूट्स, और जो फ्रूट्स मैंने लिए हैं उनमें शामिल है आम, केले, आड़ू और सेब। आपको जो भी फ्रूट्स आपको मिल सकें आप वो इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें अब हम इन सारे फ्रूट्स की कटिंग करते हैं। ये देखें सारे फ्रूट्स की कटिंग करने के बाद इसको एक बाउल में हमने सर्व कर दिया। और ये अब हम इसके अंदर डालेंगे नारियल का पानी। आप किसी भी ब्रांड का नारियल का पानी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर चंक्स भी होते हैं नारियल के। चलें जी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया नेचर फ्रूट सीरियल। ये देखें नेचर सीरियल हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। ये देखें इसको हम हल्का हल्के हाथ से यूँ मिक्सअप कर देंगे। ये देखिए देखिए ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा हमारा नेचर सीरियल खाने के लिए तैयार हो चुका है। आपने इसके अंदर जो कोकोनट वाटर डालना है वो अच्छा सा चिल्ड किया हुआ डालिएगा, उससे बड़ा मज़ा आएगा खाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़ी यूनिक सी और बड़ी ईजी सी रेसिपी समर के लिए सर्व की गई है आपके साथ शेयर की गई, तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।